हेलो दोस्तों, मैं हूं चिन्मय महाराज और मेरे चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो स्किनी लोग होते हैं, पतले होते हैं, वो कैसे अपना वेट गेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं पतला था, मतलब बहुत पतला, आप देख सकते हो। तो ऐसे पांच इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसको मैंने फॉलो किया था। अगर आप उसे फॉलो करते हो स्ट्रिक्टली, तो आपको वेट गेन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए एमआरजे यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे आने वाला हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। वेलकम टू एमआरजे यूनिवर्स। फर्स्ट जो टिप है हमारी कि आपको कैलोरिक सरप्लस में जाना होगा। तो ये कैलोरिक सरप्लस क्या होता है, मतलब आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए पर डे आपको जितनी कैलोरीज की जरूरत होता है, उसको कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। अगर वो कैलोरी आप इंटेक करते हो, तो ना आपका वेट गेन होगा, ना आपका वेट लॉस होगा, वो है मेंटेनेंस कैलोरी। तो वेट गेन करने के लिए आपको उस मेंटेनेंस कैलोरी से 300-400 ज्यादा कैलोरीज इंटेक करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी 2000 है मेंटेनेंस कैलोरी, तो आपको 2400 तक कैलोरीज इंटेक करना पड़ेगा पर डे। आप कैसे जानोगे कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है? तो एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर होता है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां पे देख सकते हो अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी वेट के हिसाब से आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, तो उस मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा 300-400 कैलोरी इंटेक करना पड़ेगा। तो टिप नंबर टू, इंक्रीज योर मील। मतलब अगर आप दिन में 3 मील खाते हो, मतलब जैसे कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो आपको 5 से 6 मील करना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसे खाना पड़ेगा, मतलब ब्रेकफास्ट, उसके बाद एक मिड स्नैक, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक, फिर डिनर। ऐसे ही 5 से 6 मील आपको खाना पड़ेगा। आपको बता दूं, अगर आप स्ट्रिक्टली वेट गेन करना चाहते हो, तो आपको स्ट्रीट फूड, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह से दूर रहना होगा। मतलब आपको सिर्फ हेल्दी फूड पे फोकस करना होगा, हेल्दी फूड ही खाना होगा। मतलब ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते, आप खा सकते हो, मतलब महीने में 3-4 बार खा सकते हो, पर ज्यादा नहीं, ठीक है। आपको अपनी डाइट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रखना होगा और प्रोटीन थोड़ा कम, क्योंकि आप वेट गेन कर रहे हो। अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, तो आपका थोड़ा बहुत फैट गेन होगा, आपको बहुत एनर्जी मिलेगा, आपकी वर्कआउट बूस्ट होगा, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो टिप नंबर थ्री, इनटेक 2 to 3 liters ऑफ वाटर पर डे। आपको 2 से 3 लीटर पानी हर रोज पीनी होगी, जरूर पीनी होगी। अगर आप ठीक से पानी नहीं पीते हो, तो आपकी इंडाइजेशन होगा, जिसकी वजह से आपकी मील पे इफेक्ट पड़ सकती है। मतलब आप ठीक से अपना मील कंज्यूम नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी। नंबर फोर, वर्कआउट 4 to 5 days पर वीक। अगर आप जिम जाते हो या फिर घर पे वर्कआउट करते हो, तो आपको एक हफ्ते में 4 से 5 दिन वर्कआउट करना होगा, और जो बाकी डेज हो गया, आपको रेस्ट लेना होगा ठीक से, क्योंकि आपकी मसल्स को ठीक से रिकवरी होने में 24 to 48 hours लगता है। अगर आप डेली जिम जाओगे या फिर डेली वर्कआउट करोगे, तो आपको रिकवरी होने में टाइम लगेगा, मतलब आपकी मसल ठीक से रिकवरी नहीं हो पाई, क्योंकि गेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिकवरी। अगर आपका मसल ठीक से रिकवरी होगा, तो आपका गेन ठीक से होगा। अगर आपकी रिकवरी में इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका गेन ठीक से नहीं होगा। तो टिप नंबर फाइव, जो कि लोग बहुत स्किप करते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये क्या मैटर करता है मसल ग्रोथ में या फिर वेट गेन में, तो वो है आपको 7 से 8 घंटे अच्छे से नींद लेनी है पर डे। अगर आप ठीक से नींद कंप्लीट करते हो आपका, तो आपको मसल रिकवरी में टाइम मिलेगा, आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जल्दी हो पाएगा। तो ये था हमारा 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो ना मेरे भाई, तो आपका गेन होगा ही होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे मैं बहुत सारे फिटनेस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बना पाऊं। और भाई को सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।